hello students how are you i hope you all are doing good today we are starting a chapter which name is conquerors from distant lands and spread of buddhism in central asia before starting the chapter you have to know some important terms like yuvanas that are the greeks are known as yuvanas in indian literature second Bodhiswa. बुद्धिस्त होते हैं बुद्धा इन हिज प्रीवियस बर्थ्स शत्राप्स शत्राप्स आर द गवर्नर्स नाउ कॉन्क्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स नॉर्थ वेस्ट दूसरी लैंड से यानी फॉरेन कंट्री से कौन इंडिया में कॉनक्अर आए नॉर्थ वेस्ट की हम बात करते हैं एट द टाइम व्हेन द रूलर्स ऑफ मगधा वर एक्सटेंडिंग देयर डोमिन इन इंडिया द पर्जियन किंग्स वर ऑल्सो बिल्डिंग अप दे पावर जब मगधा में जो इंडिया के रूलर थे रूलर ऑफ मगधा जो थे वो अपने इंडिया में पावर बढ़ा रहे थे उस टाइम पर पर्जियन किंग जो थे वो भी अपने आर्मी अपनी पावर जो है वो एक्सटेंड कर रहे थे साइरस द फाउंडर ऑफ द पर्जियन एम्पायर हैड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर राइट अप टू दिंदू कुश एंड द गधारा वॉज इट्स पार्ट डेरियस वन सेंट एन एक्सपीडिशन टू द माउथ ऑफ द इंडस रिवर इन 516 हंड्रेड सिक्सटीन टू सेवनटीन बी एंड एनेक्स्ट अ पोर्शन ऑफ पंजाब अब पर्जियन किंग में फेमस कौन थे पर्जियन एम्पायर जो थी उसकी शुरुआत की थी सायरस ने ठीक है साइरस ने अपना जो एम्पायर है वो काफ़ी आगे तक बढ़ा रखा था हिंदू कुश माउंटेन तक ठीक है गंधारा तक गांधारा भी उसका एक पार्ट था एंड डेरियस वन ने एक एक्सपिडिशन भेजा इंडस रिवर की तरफ ठीक है जीत के लिए कॉन्क्योर करने के लिए जिसमें पंजाब का कुछ पोर्शन जो है वो एनेक्स कर लिया गया दिस एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडियंस एंड द परजियंस यहाँ से कॉन्टैक्ट शुरू हुआ परजियन और इंडिया के बीच में इट प्रूव बेनिफिशियल टू बॉथ द पीपल एंड दे आर बिगेन कमर्शियल एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज़ हालांकि दोनों का जो कॉन्टेक्ट है वो काफ़ी फ्रेंडली रहा ठीक है क्योंकि दोनों के बीच में कमर्शियल और कल्चरल एक्सचेंज होना शुरू हो गया था द कमरशियल इंटरमिंगलिंग फ़र्दर लैट द वे फॉर एन एक्सचेंज ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल आइडियाज़ धीरे धीरे इससे सोशल एंड पोलिटिकल आइडियाज़ जो हैं वो इंटरचेंज होने लगे द ग्रोथ ऑफ़ एन एम्पायर इन परसिया गेव पर टू द कन्सेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ नर्दर्न इंडिया अंडर दिसुनागा सिसुनागाज एंड द मोरियंस द मोरियन आर्ट प्यर एंड अनडिनेबल स्टैम्प ऑफ द परजियन आर्ट जो मोरियन आर्ट में जो एक स्टैंप यूज़ की जाती है वो भी परजियन आर्ट से ली गई है तो ऐसे दोनों परजियन और इंडियन कल्चर की इंटरमिक्सिंग शुरू हुई अलेक्जेंडर आफ्टर कॉन्क्रिंग द होल ऑफ़ ग्रीस सब्ज़गेटेड पर्जिया एशिया माइनर इजिप्ट एट्सेट्रा एंड देन टर्न टूअर्ड इंडिया इन 326 ट्वेंटी सिक्स बी सी उस टाइम पर अलेक्जेंडर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है उन्होंने पूरा ग्रीस जो है उसको जीतने के बाद परजिया का कुछ पार्ट एशिया का कुछ पार्ट इजिप्ट का कुछ पार्ट जीतने के बाद कॉन्क्यूर करने के बाद इंडिया की तरफ मूव किया इंडिया की तरफ टर्न हुए रूलर ऑफ तक्षिला रेडली एल्डेड द रूलर ऑफ द एडजॉइनिंग किंगडम पारस रेजिस्टेड हिम हालांकि उस टाइम तक्षिला का जो रूलर था उसने वहीं पर उन्हें रोक दिया From there, Alexander wanted to टू गो but his soldiers refused to टू गो than द

पोस्ट मोरियन पीरियड को पीरियड ऑफ एम्पायर के नाम से जाना जाता है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मोरियस इंडिया लोस्ट हर पॉलिटिकल यूनिटी एंड वंस अगेन सेवरल स्मॉल स्टेट एरोज इन इंडिया क्योंकि मोरियन पीरियड ऐसा पीरियड जाना जाता है हिस्ट्री में जिसमें पूरा इंडिया यूनाइटेड था और अंडर वन रूल था ठीक है तो जब मोरियन पीरियड डिक्लाइन होने लगा उसके बाद छोटे छोटे स्टेट जो थे वो इंडिया में एरोज होने लगे थे आफ्टर किलिंग द लास्ट मोरियन किंग भृद्र था हिस् कमांडर इन चीफ पुष्य मित्र सुंगा असेंडेड द थोर्न ऑफ मगधा और लास्ट किंग को मारने के बाद पुष्य मित्र सुंगा ने मगधा के थोर्न को अनैक्स कर लिया ही स्ट्रेंथन एंड रिवटिलाइज द मिलिट्री सिस्टम ऑफ द मगधा एम्पायर और फिर से जो वहाँ का मगधा का मिलिट्री सिस्टम था उसको फिर से रिजनरेट किया रिविटिलाइज किया रिवर्टिलाइज किया ही ऑल्सो कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्स एंड एक्सपेंशन और यह पॉलिसी कॉन्क्स एंड एक्सपेंशन की पॉलिसी उन्होंने जारी रखी कलिंगा बिकेम अ सेपरेट इंडिपेंडेंट किंगडम एंड प्रोस्पेर्ड अंडर खारवेला ऑफ द चेडी डाइनेस्टी उस टाइम कलिंगा जो था वो आपस में अपना एक अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट किंगडम था इन द साउथ द सतवाहन स्वीव इंटू पावर वायल इन अफगानिस्तान सेवरल इंडो ग्रीक किंगडम्स एरोज द साकाज एंड द कुशांस ऑल्सो टुक एडवाटेज ऑफ द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सेट अप द एयर फूड फॉमली ऑन द इंडियन सॉयल और उस टाइम काफ़ी अलग अलग छोटे छोटे अंपायर जो थे वो एरोज होने लगे थे ठीक है तो इसका फ़ायदा जो इंडो ग्रीक किंगडम थे उन्होंने उठाया ठीक है साकाज एंड कुशनाज जो थे उन्होंने भी एडवांटेज उठाई और इंडियन सॉइल पर यानी इंडिया में उन्होंने कंक्यूज करना अटैक करना इंडिया को अनेक्स करना इन्वेड करना शुरू किया बुल एंड पंजाब इनवेडेड नर्दन इंडियन अबाउटी फाइव बी सी और जब सूघा उस टाइम पर मिनेदर जो कि एक ग्रीक रूलर था काबुल और पंजाब का उसने नर्दन इंडिया पर अटैक किया द गवर्नर ऑफ विद्रा भा टू रिवोल्टेड है सबड्यूड अ नंबर ऑफ़ रिवोल्ट पुष्य मित्र सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री बाई परफॉर्मिंग द अशोमेधी यजना एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज और उस टाइम पर पुष्य मित्र सुघा अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहता था और एक अशोमेधी यजना जो है वो परफॉर्म करने वाले थे और खुद को टाइटल दिया था महाराजा धीराज का हि सक्सेस टू पैटर्नाइज आर्ट एंड लिटरेचर द सुंग रूल्ड अप टू सेवेंटी थ्री बी सी एंड वर रिप्लेस्ड बाई द कानवाज और उसके बाद सुंगा रूल के बाद कौन सी डायनेस्टी शुरू हुई कानवाज कानवाज रूल वॉज शॉर्ट लाइफ एंड दे वर रिप्लेसड बाय सतवाहस नेक्स्ट है इंडो ग्रीक्स और द बैक्टीरियन ग्रीक्स द इंडो ग्रीक्स और बैक्टीरियन ग्रीक्स वर द ऑफ़ ग्रीक जनरल्स हु रूल्ड ओवर बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंड परथिया एंड अमंग द ग्रीक रूलर ंदर हिलोइल एटसच्रा वर्ल्ड नोटेबल मिनेंदर वॉज द मोस्ट पावरफुल ग्रीक किंग एंड ही इम्प्रेस्ड बुद्धिज्म एंड इज नोन एज मिलिंद इन द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ग्रीक इंफ्लुएंस ऑफ ऑन इंडिया उसके बाद ग्रीक का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा द क्रीक्स कोल्ड यवनाज़ इन इंडियन लिटरेचर वर अ कल्चर्ड पीपल दे लेफ्ट देर इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन लाइफ एंड सोसाइटी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी कॉइनेज एंड द स्कल्चर ये तीन चीज़ों में एस्ट्रोनॉमी कॉइनेज एंड स्कल्पर इन पर ग्रीक पीपल ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया पर छोड़ा है they were the originator of the gandhara school of art the greek dramas also influenced india drama and some indo greek kings also worshiped lord vishnu their stay in india brought about a healthy exchange of knowledge and ideas between them and the indians of the greek people greek का रूल रहा ठीक है जब तक तो ग्रीक पीपल रहे तो अच्छा हमारा जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है वो काफ़ी फ्लोरिश हुआ सम इंडो ग्रीक किंग ऑल्सो वर्शिप लॉर्ड विष्णु ऑल्सो ठीक है दे स्टे इन इंडिया बॉट अबाउट हेल्थी एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड द आइडियाज़ अबाउट दैम एंड द इंडियंस द ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी मे बी एलोब्रेड जैसे फर्स्ट है कॉइंस the indians learned to make molds and dies for their coins from the greek greek people say he, indian people have a coin banana si astronomy द इंडियन एस्ट्रोनर्स कंपेयरिंग देर नॉलेज विद द ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एनहेंस देर नॉलेज ऑफ द स्टार्स विच दे यूज फॉर फोरकास्टिंग दे इवन एडॉप्टिड द ग्रीक कैलेंडर एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंफ्लुएंस हुआ इंडिया पर ठीक है ग्रीक कैलेंडर का ग्रीक कैलेंडर को हमने अडोप्ट किया उसके अलावा स्टार्स की नॉलेज ली ताकि फ़ोरकास्टिंग ईजी हो जाए मेडिसिन वारफेयर आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर इन सारी चीज़ों पर ग्रीक का काफ़ी असर हुआ है इंडिया पर जैसे लिटरेचर में संस्कृत ड्रामाज व लार्जली इंफ्लुन्स्ड बाई द ग्रीक प्लेस तो आप देखोगे ग्रीक और इंडियन कल्चर की इंटरमिक्सिंग हम कह सकते हैं उस टाइम पर नेक्स्ट है साकाश During the 2nd century BC, the Sakas were a nomadic tribe of Central Asia. They conquered large part of the Indo-Greek territories. The rulers called themselves as Shatraps Or at that time jo Sakas the Sakas were called Shatraps. The. They established their rule in various parts of India for example, Takshila, Mathura, Nasik and Ujjain. रुद्रामन ऑफ उज्जैन was द मोस्ट पावरफुल Saka रूलर हु assumed द टाइटल ऑफ महाशत्रा ही स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ द सतवाहंस टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर दे also बिगेन द Saka कैलेंडर इन इंडिया इन 78 AD. जैसे आप पढ़ोगे इंडिया में दो ही कैलेंडर होते हैं ग्रीक कैलेंडर और साका कैलेंडर नेक्स्ट है इंडो परथियंस By the first century AD, the Indo Parthians, also called as Pahivas, a tribe in Central Asia, occupied Bactria. Muis was the first Parthian ruler in India who ruled Swat Valley and Gandhara in northwestern India. Okay, Parthia king was ruled rule India. But the most powerful Pahiva ruler was Gondofirnis and the pahawa ruler was short lived and was overthrown by the kushans kushans the kushans were a nomadic tribe of central asia it was a branch of the tribe of chinese turkestan under the leadership of कुजूलू कदनिश दे लैफ्ट देर होम एंड कैप्चर्ड बैक्टीरिया एंड परथिया अकोर्डिंग टू चाइनीज हिस्टोरियन सीमा क्वेन द कुशांस मार्च इन टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश देय रूल इन काबुल एंड कश्मीर लेटर ऑन दे क्रॉस द इंडस रिवर एंड ऑक्युपाइड तक्षशीला एंड पंजाब कनिष्का द ग्रेट कॉन्क्यूवर कनिष्का वॉज द ग्रेटेस्ट कुशान किंग he became the he, became, he came to the throne in 120 ad he conquered kashmir and annexed punjab and mathura from the sakas and occupied certain parts of magadha sakas say, you know, india kafi ka ka part jawa captured and he defeated the chinese general pang chiang and annexed कुशागर खोतोन एंड यारकंद आल्सो। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बैक्टीरिया इन द नॉर्थ टू जैन इन द साउथ एंड फ्रॉम बनारस इन द ईस्ट टू अफगानिस्तान इन द वेस्ट तो काफ़ी कनिष्का एक ग्रेट रूलर रहा जिसने काफ़ी जो है एक्नेक्स कर लिया था रोमन्स विश्ड फ्रेंडशिप विद द कुशांस हु कंट्रोल द फेमस सिल्क रूट ऑफ चाइना उसके अलावा सिल्क रूट ऑफ चाइना है जो उसको भी कनिष्का रूलर ने एक तरीके से कैप्चर कर लिया था तो रोमन्स जो हैं दे वट टू डू फ्रेंडशिप विद द कुशांस ओके बिकॉज बिकॉज टू यूज द सिल्क रूट ऑफ चाइना एज अ रिजल्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया डेवलप्ड इन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ दैट पीरियड कनिष्का द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर कनिष्का का रूल काफ़ी टाइम तक इंडिया में रहा क्योंकि कनिष्का एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर था ही डिवाइडेड द वास्ट एम्पायर इंटू सेवरल प्रोविंस विच वर रूल्ड बाय द ट्रस्टेड गवर्नर कोल द शराब्स एंड दे वर ऑल्सो गिवन इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर उसके अलावा द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर जो की आर्ट और लिटरेचर के काफी शौकीन थे हिज कोर्ट हैड ग्रेट स्कॉलर्स, फिलोसफर्स पोइट म्यूजिशिय प्ले राइटर एंड कंपेरिजन ऑफ द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मोरियन स्कूल ऑफ आर्ट ठीक है तो कनिष्का जो था उसके टाइम पर काफ़ी बिल्डिंग बनी हुई है हैं क्योंकि उन्हें आर्ट एंड आर्किटेक्चर का और लिटरेचर का काफ़ी शौक़ था नाउ अब हम कंपैरिजन पढ़ते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट दोनों में क्या डिफरेंस था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इट डेवलप्ड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन आर्ट ठीक है इंडियन आर्ट पर जब ग्रीक का इन्फ्लुएंस आया तो वो स्कूल कौन सा शुरू हुआ गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जिसमें ग्रीक ग्रीक इंडो आर्ट सिखाई जाती है द स्कूल ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वेटोरिजिनेट गंधार वहाँ की जगह का नाम है इसलिए स्कूल का नाम यही दिया गया दिस स्कूल मेड इमेज ऑफ द बुद्धा एंड द बोधिस्तव विच लुक लाइक ग्रीक गॉड्स एंड सेकेंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इट फ्लोरिश्ड इन मथुरा ड्यूरिंग द रीज़न ऑफ कनिष्का मथुरा में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो फ्लोरिश हुआ कनिष्का रूलर के टाइम पर इट वॉज प्योरली इंडियन इन स्पिरिट एज वेल एज इन स्टाइल ये प्योरली इंडिया है इंडिया का जो स्टाइल है उसी को डिस्क्राइब किया गया है इमेज ऑफ बुद्धा एंड पोधिस्ट वर मेड इन दाइल एंड द हेडलेस स्टैचू ऑफ़ कनिष्का इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों स्कूल ऑफ आर्ट हैं ठीक है ठीके? दोनों में हिंदी जो प्योर इंडियन कल्चर है इंडियन जो स्टाइल है उसको दिखाया गया है ठीक है जो गांधारा है उसमें थोड़ा सा ग्रीक का मिक्सचर कह सकते हैं अब इनमें डिफरेंस क्या है फर्स्ट है द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इंडियन इन स्पिरिट एंड स्टाइल और गांधार स्कूल में क्या है आपका ग्रीक स्टाइल मिक्स किया गया है ठीक है सेकेंड इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट In the मथुरा school of art, बुद्धा was depicted विद अ shaven head, लाइक एन इंडियन एसेटिक एक इंडियन साधु की तरह मथुरा का जो स्कूल है उसमें बुद्धा के कल्चर को दिखाया गया है क्लीन शेव हेड में ठीक है वायल इन द गधारा स्कूल ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट बुद्धा विद कर्ल्स लाइक ग्रीक गॉड्स उसमें बुद्धा के बाल ऐसे दिखाए गए हैं जैसे ग्रीक गॉड के दिखाए जाते हैं अब स्कूल में सिमिलरिटीज़ क्या है दोनों जो स्कूल हैं दोनों में बुद्धा की और बौद्धिस्तव की इमेजेस लगी हुई हैं ठीक है ये आप देखो यहाँ पर इमेजेस देख सकते हो बोथ स्कूल्स जो हैं उन्होंने रेड सेंड स्टोन का यूज़ किया है मूर्तियाँ बनाने के लिए एंड बोध द स्कूल्स फ्लोरिश ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड और दोनों ही स्कूल कुशाना पीरियड के टाइम पर फ्लॉरिश हुए हैं नाउ कनिष्का एंड बुद्धिज़्म कनिष्का जो किंग था उसका बुद्धिज्म से क्या लगाव था कनिष्का कोल्ड हिमसेल्फ द सन ऑफ गॉड कनिष्का जो खुद को सन ऑफ गॉड कहते थे लेटर ही कन्वर्टेड टू एंड पैटर्नाइज बुद्धिज़्म कुछ टाइम के बाद बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए Buddha statues were put up in many public places. He donated large sums of money for the construction of Buddhist monasteries or Buddhist monasteries. Ke liye unhone kafi daan bhi He built a tower at Peshawar, which has been excavated recently. He or, uh, organized the fourth Buddhist council at खुदावाना इन कश्मीर एंड सेंट मिशनरीज टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना टू प्रोपगेट बुद्धिज़्म्यूरिंग हिज रिजन बुद्धिज़म केम टू बी डिवाइडेड इन टू एटीन सेक्ट्स विच वर अल्टीमेटली रीऑर्गेनाइज इंटू टू मेजर सेक्ट्स उनके टाइम पर बुद्धिज़्म रिलीजन को एट सेक्ट्स में यानि एट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया एटीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया उसके बाद इसको दोबारा से दो मेजर सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया माहयान द ग्रेटर व्हीकल एंड द हिनायान द लेसर He was tolerant toward other religion also. Now who was the next successor of Kanishka? Kanishka was succeeded by several kings including Vasyaka and Hushka and Vasudev. हु रूल्ड टिल अबाउट टू थर्टी ए डी ड्यूरिंग द रिजन ऑफ वासुदेव मथुरा एज्यूम्ड ग्रेटर इम्पोर्टेंस दैन पेशावर और उनके टाइम पर जो मथुरा है वासुदेव जब रूल कर रहे थे उस टाइम पर मथुरा जो है वो काफ़ी सामने अमर छुआ ठीक है पेशावर से कहीं ज़्यादा मथुरा एज्यूम्ड एज अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस आफ्टर हिज डेथ द कुशांस एम्पायर डिकलाइन एंड वॉज कन्फाइंड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया ओनली नेक्स्ट है सतवाहन कुशान के बाद सतवाहन रूलर आए द सतवाहन ऑल्सो नोन एज आध्राज रूल द डेकन फॉर नियरली 300 हंड्रेड ईयर्स जिन्होंने डेकन पर 300 साल तक राज किया प्रतिशाना मॉडर्न पथान इन महाराष्ट्र वो देयर कैपिटल सम पावरफुल रूलर वल्ड श्री सत्यकर्णी एंड वशिष्ठ पुत्र पुल्यमयी ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट क्या रहे हैं किंग रहे हैं रूलर रहे हैं द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म नॉर्थ इंडिया टू सेंट्रल एशिया अब नॉर्थ इंडिया से सेंट्रल एशिया में कैसे बुद्धिज़म रिलीजन जो है वो स्प्रेड हुआ विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड बुद्धिज़म स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया कुछ टाइम में बुद्धिज़म ने काफ़ी काफ़ी पॉपुलरिटी गेन कर ली थी एंड द रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ द साज द मालाज एट्सेट्रा अम्बरेस्ड बुद्धिज़्म्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा इट्सल्फ अंडर अशोकन एंड कनिष्का बुद्धिज़म बिकेम द स्टेट रिलीजन अशोक और The third Buddhist council and got the true.

gave liberal grant and royal patronage to Buddhism. He held religious assembly at Kanosh to public to publicize Mahayan. Buddhism was introduced in Korea by a Chinese monk in three hundred seventy two AD. Now next day Afghanistan इन एंशियट टाइम अफ़गानिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ़ इंडिया पहले अफग़ानिस्तान एक इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था इट वॉज़ इंक्लूडेड इन मोरियन एंड कुशाना एम्पायर्स एंड बामियान वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ अफगानिस्तान इट हैड सेवरल मोनेस्ट्रीज एंड द टोलेस स्टैचू ऑफ बुद्धा ऑल्सो अफगानिस्तान में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनी हुई हैं और बुद्धा का सबसे बड़ा टोलेस स्टैचू भी अफगानिस्तान में है दिस स्टैचू ऑफ बुद्धा वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द तालिबान अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस फेंटेस्ट इन अफगानिस्तान इन टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड वन में जो बुद्धा का स्टैचू था उसको तालिबान जो एक ग्रुप था ठीक है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था अकॉर्डिंग टू अलबरिनी बुद्धिज्म प्रिवेल्ड इन ईरान खुरशान सारिया एंड इराक बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम द्लाम रिलीजन शुरू होने से पहले इन कंट्रीज में बुद्धिज्म रिलीजन ही लोग फॉलो करते थे नेक्स्ट है सेंट्रल एशिया इंडियन कल्चर एक्सपेंडेड बियोन्ड द हिमालयाज़ इन सेंट्रल एशिया लैंड रूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया पास थ्रो सेंट्रल एशिया जो इंडिया और चाइना के बीच का रूट था वो सेंट्रल एशिया रूट ही कहा जाता है द नर्दन रूट टू चाइना पास फ्रॉम काशगर टू काराशू एंड तुरफान एंड तारिम बेसिन वाइल द सर्दन रूट पास फ्राम द काशगर टू यारकंद khotan etc the two routes finally converged at Sunsong and led to chinese turkestan known as Singaluk. the whole region the whole region is a vast desert there are two routes passed through the towns of central asia and acted as the highway of political cultural and commercial intercourse between india and china on one hand and india and west asia on the other hand now, here is the quick recap of the chapter. The Magda ruler and the king of Persia were simultaneously building up their power. Cyrus and Darius, the Persian ruler, annexed Gandhara and Punjab respectively. The Greek warrior Alexander also led a conquest and invaded India in 326 BC. In the post Mauryan Empire, Menander, the Greek ruler of Kabul and Punjab, captured Mathura and Ayodhya. The Indo Greeks or the Bactrian Greeks were the descendant of the Greek generals who ruled over Bactria and Parthia. Menander, known as Milind, was the most powerful Greek king. He conquered Indian territories up to Kithawar and Broch in the west and Mathura in the east. The Greeks also called Yuvanas were a highly cultural people. They influenced Indian life and society in many ways. For example astronomy, coinage and sculpture, drama etc. During the 2nd century BC, the Sakas the Sakas established their rule in various parts of India. Rudraman of Ujjain was the most powerful Saka ruler. They started the Saka calendar in India. Indo Parthihans, also called Pahlavas, were a tribe in Central Asia. Gondofernes was the most powerful Pahlava ruler. The Kushans were also a nomadic tribe of Central Asia. Kanishka was the greatest Kushana king and an able administrator and a great builder too. Under Kanishka Buddhism became the state religion. Earlier during the reign of Ashoka Buddhism flourished and spread outside India too and continued to thrive in Gupta age. Buddhism spread into Korea, Japan, Indochina, Tibet, Afghanistan, and Central Asia. This is the chapter, Bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.